हम जा रहे हैं लद्दाख। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हमारा ड्रीम ट्रिप करने के लिए जा रहे हैं बेंगलोर से लद्दाख तक। पहले मेरा और साहिबा का प्लान था कि हम लोग बाइक से जाएंगे लद्दाख और वहाँ पे सब जगह बाइक से ही घूमेंगे, बट मैं और साहिबा दोनों ही काइंड ऑफ इंटरमीडिएट बाइकर्स हैं, तो हमें लगा कि दिस वुड बी टू मच एंड दिस वुड बी समवेयर अराउंड 8,000 किलोमीटर ट्रिप एंड डूइंग इट विद बाइक विदाउट दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस विल बी ओवरकिल। तो फिर एनजी इसके ख़िलाफ़ भी थी, तो फाइनली हमने मिडवे पर सेटल करा है कि हम लोग कार से जाएंगे। तो हमारा रूट ये रहेगा कि हम लोग बेंगलोर से NH 48 लेंगे, पुणे, मुंबई, फिर मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से उदयपुर होते हुए हम लोग जयपुर जाएंगे। एंड जयपुर में हम लोग, हमारा होम टाउन है, तो वहाँ पे अराउंड ए वीक का स्टे करेंगे और आई विल बी वर्किंग फ्रॉम देयर फॉर सम टाइम। फिर उसके बाद हम फिर से वहाँ से निकलेंगे जयपुर से अमृतसर। अमृतसर में हमारा प्लान है, हम गोल्डन टेंपल जाएंगे, अटारी बॉर्डर देखेंगे, जलियांवाला बाग। फिर उसके बाद अमृतसर से श्रीनगर। श्रीनगर में हमारा कपल ऑफ डेज स्टे का प्लान है, वहाँ पे हम लोग हाउस बोट में रुकना चाहते हैं। गुलमर्ग को स्किप कर सकते हैं, आई डोंट नो, विल बी स्टेइंग इन सोनमर्ग, अभी तो प्लान यही है। और फिर वहाँ से स्टार्ट होंगे, अगर हमें सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा लगी, टाइम ज़्यादा लगा, तो हम कारगिल में स्टे करेंगे और फिर कारगिल होते हुए हम लोग लेह पहुँचेंगे। लेह में हमारा कपल ऑफ डेज़ का स्टे है जस्ट फॉर एक्लिमेटाइजेशन। वहाँ से फिर लेह से फिर हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो लेह में मेरा और साहिबा का जो बाइकिंग का ड्रीम है वहाँ पे, वो भी पूरा करेंगे हम। तो हम शायद खारदुंगला पास तक अपनी बाइक से जाएं रेंट करके, फिर उसके बाद फिर हम कार से निकलेंगे नुब्रा वैली। फिर नुब्रा वैली से हम देखेंगे उधर की तरफ, आगे उधर के विलेजेस में जाना है, नहीं तो फिर वहाँ से हम लोग पेंगोंग लेक निकल जाएंगे। पेंगोंग लेक से सोमोरीरी लेक और हानले, जो भी रूट में पहले आएगा उसको कवर करते हुए, फिर अगर हमारे पास कोई रीज़न हुआ जैसे कि हमें रेस्ट की ज़रूरत है या हमारा फ्यूल ख़त्म हो गया है, तो हम लोग वापस ले आएंगे, वरना फिर वहीं से अगर हमें कोई डायरेक्ट रास्ता मिला तो वहीं से हम लोग मनाली के लिए रूट लेंगे। तो वो हमारा विचार ये है कि हम या तो सारचू या जिस्पा, दोनों में से एक जगह पर स्टे करेंगे नाइट का मनाली से पहले, और फिर मनाली पहुंच के हम एक दिन एक नाइट मनाली में रुकेंगे और थोड़ा सा अगर कुछ साइट सीइंग हो सकी एटलीस्ट नाइट में मार्केट देखेंगे मनाली का। फिर मनाली से स्टार्ट होके फिर अम्बाला होते हुए हम लोग दिल्ली आएंगे। गुड़गांव में हमारा एक दो दिन का स्टे का प्लान है, मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पे। फिर वहाँ से हम लोग ग्वालियर, झांसी होते हुए नागपुर, नागपुर से हैदराबाद और हैदराबाद से बेंगलोर। तो हमारा एक थोड़ा सा राउंड ट्रिप टाइप का प्लान है, तो लेट्स सी। ये अभी तक हमारी जाने की तैयारी ख़त्म नहीं हुई है और ये साहिबा कैब को जमाने के बजाय लगा के बैठी हुई है और यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी लग रहा है हो रही है, कुछ कुछ तो जमाया जा रहा है और इधर सारा सामान फैला हुआ है। अभी तक तो सारा सामान फैला हुआ है। सो हम जा रहे हैं लद्दाख, मतलब अभी यहाँ से डायरेक्ट नहीं, अभी जाएंगे हम पहले पुणे। अभी अभी हम निकले हैं 5 बजे, हमने प्लान किया था 4:30 निकलने का, पर थोड़ा लेट हो गया, विच इज ओके। और अभी हम होसूर रोड से नाइस रोड लेंगे और साहिबा थोड़ा अच्छा सा म्यूजिक चला रही है, तो हम तीनों ऑल सेट हैं, ठीक ठाक सोए हैं, तो लेट्स सी। जय बजरंगबली।
हाईवे अच्छा है, बस ट्रैफिक ज़्यादा है। रात को थोड़ा सोने में लेट हुआ था तो नींद भी जरूरी है। अभी चित्रदुर्गा के पास एक श्री साई पैलेस ढाबे में रुके हैं। ढाबा नहीं है ये। जो भी है तो मतलब इसमें रुके हैं और कुछ खाना पीना करेंगे। अभी 7:30 बजे है। ये भी यहाँ पे नाश्ता करने रुकी है। जैकेट पहन रखी है। जैकेट। जैकेट। मेकर हैबिटुअल लाइक सिंस शी वाज वन और टू इयर्स 2 मंथ्स ओल्ड। राइट। हाउ ओल्ड इज शी? निकल रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया यहाँ पे, सिर्फ 15 मिनट्स लगाए। अच्छा था, मैंने तो इडली बड़ा खाया। नाइस। अब बस हम निकल रहे हैं। क्या तू खिला पड़ेगा? लटक गया तू फिर। मिनी लाइट मिनी इसको बिग देखा कितना बड़ा है। मिनी मतलब कि कम सीटों वाला। मिनी तो सीट होगी। हमने हुबली क्रॉस कर लिया है और अब हुबली से आगे कोल्हापुर की तरफ निकल रहे हैं। कोल्हापुर से आगे पुणे की तरफ निकलेंगे। बारिश काफी तेज है और हमारा ड्राइवर चेंज हुआ है और प्राइमरी ड्राइवर अब लड्डू खा रहा है। अभी हमने सर्विस लेन में ली है। NH 48 पर ही हैं। ऑलमोस्ट कोल्हापुर के आसपास पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे हाईवे पे बड़ा ज़बरदस्त जैम लगा हुआ है। इतना लंबा जैम है और यहाँ पर से दूर तक जैम है। तो हमें गूगल ने बताया कि यहाँ सर्विस लेन में उतरेंगे तो हमारे 20 मिनट्स बचेंगे। तो
साहिबा ने सर्विस लेन में उतार दिया, तो अभी सर्विस लेन भी जैम हो गई लगती है। आप क्या कहते हैं घर की चाय के बारे में? बहुत अच्छी है, अभी तो गर्म भी है। गर्म भी है और मैंने तो बनाई है। आपने क्या सोच के बनाई? मैंने सोच के बनाई थी कि तुम दोनों को रास्ते में चाय का लुत्फ उठाने को मिले। और ये अंजलि पीछे नींद निकाल रही है चुपके से, और इसकी चोरी पकड़ी गई है। कोई चोरी नहीं पकड़ी थी, उस रात में 2:30 बजे जागी थी। और यहाँ छुप छुप के यहाँ हम लोग आगे गाड़ी चलाने पे ध्यान दे रहे हैं, ट्रैफिक पे ध्यान दे रहे हैं, और यहाँ पे नींद निकाली जा रही है। तो क्या करूँ फिर? क्या मस्त ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं यही सोच रही थी कि बारिश बारिश नहीं मिली कहीं पर। लग रहा है मैं पूरे रास्ते में कई जगह मिल रहा है बारिश। देखने वाले का एक काम है कि खड़ा होके सीट को क्रॉस करके पीछे डिक्की में जाए और वहां से खाने का सामान ढूंढ के लेकर आए। कारवाड़ की तरफ चलते हैं। कारवाड़ अराउंड होगा 100 किलोमीटर्स। मौसम भी अच्छा हो रहा है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। स्काई देखो, स्काई की तरफ मुझे रास्ते से ही बुक करा दिए होटल। अभी साहिबा गाड़ी चला रही थी, उसने बहुत लंबी खींची है, तो ही हमने होटल बुक करा दी। पुणे नवी मुंबई जो बाईपास और हाईवे जो जाता है उसी पर हिंजवाड़ी में कहीं पर है एक होटल। तो सिर्फ नाइट का स्टे करेंगे, नो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, क्योंकि हमारा विचार नहीं है कि हम वहाँ पे 6 बजे बाद रुकेंगे। आई डोंट थिंक दे विल हैव द ब्रेकफास्ट रेडी बाई 6 ओ क्लॉक। क्या पी रही है तू? चाय कॉफी? कॉफी। थक गई है चला चला के? नहीं, डैडी लड़ रहे हो मेरे से, मैं चलाऊंगा। और तुम दोनों लड़ते ही रहो। मुझे लग रहा है हमें कश्मीर जाना छोड़ के और यहीं पर घूमना चाहिए कुछ दिन।
ठीक है। Okay, next.